इसके आए थे 1 करोड़। सौरव जैसी के कहाँ पड़ता है 14 साल? क्या नाम बोला? चौदह जाली, चौदह चौदह जाली। अच्छा गाड़ी मैंने एक जगह रोक ली यार। ओहो ओहो भाई 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 भाई, क्या ही मौसम देखने को मिला यहाँ से। जो व्यू देखने को मिला ना भाई, दिल ने कहा कि यहाँ पर रुक जाओ। और अभी मैं आया था इस वाले रास्ते। तो एक्चुअली गाइस ना, आज का व्लॉग मैंने रुद्रपुर से शुरू नहीं किया, क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ छोटा सा एक मोटो व्लॉग, जिसमें मैं जाने वाला हूँ मुक्तेश्वर की वो हसीन सी वादियों में, बिल्कुल भाई अकेले। देखो पीछे गाड़ी है और मैं, और मेरे साथ चलने वाले हैं आप लोग, जिसे दोस्तों उत्तराखंड का एक मिनी हिल स्टेशन भी बोला जाता है। तो इसके साथ ही अभी निकलते हैं सीधे मुक्तेश्वर के लिए, और अभी मैं हूँ रास्ते में। तो फाइनली गाइस, अभी पहाड़ की वो खूबसूरत सी वादियों में मैं एंटर कर चुका हूँ। आप लोगों ने देखा था जैसे कि नीचे प्लेन एरिया में कोहरा काफ़ी ज़्यादा था इन द मॉर्निंग में, तब मैंने वीडियो की शुरुआत नहीं की थी। तो फाइनली अभी जा कर के हम राइड करेंगे यहाँ से, और साथ में आपको दिखाएंगे मोटो ब्लॉगिंग के साथ साथ मैं बढ़ गया हूँ आगे को। या शहर में देखो काफ़ी ज़्यादा कोहरा सुबह सुबह देखने को मिला था, लेकिन पहाड़ पर अभी हल्की हल्की धूप निकल करके आ रही थी। अभी तो धूप नहीं है, अभी तो मौसम ऐसा बना हुआ है कि आप देख रहे हैं कि हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं, और आगे आगे हमें शायद कहीं स्नोफॉल भी देखने को मिल ही जाए। तो उम्मीद करते हैं कि मिलेगी, और आज मैं अकेले ही राइड कर रहा हूँ। गाइज आज मुझे पूरा 1 साल हो गया है। 26 जनवरी 2021 को मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी आज, शायद वैसे मेरा मोटो व्लॉग तो ये दूसरा है, लेकिन मुझे पूरा 1 साल हो गया है व्लॉगिंग में। तो अभी हम हल्द्वानी से महज कम से कम 10 से 15 किलोमीटर आगे निकल आए हैं, अभी भीमताल पहुँचने वाले हैं। और भीमताल से गाइज हम सीधे चलेंगे कहाँ चलेंगे, खुटानी, खुटानी से भवाली, और भवाली से होते हुए सीधे बाया रामगढ़ से होते हुए हम सीधे पहुँचेंगे मुक्तेश्वर की खूबसूरत सी वादियों में। अभी मैं पहुँच गया हूँ भीमताल, और यहाँ पर भी सब सुनसानी देखने को मिल रही है। ये गाइज छोटी सी मार्केट है भीमताल की, लेकिन इस साइड से है, लेकिन आगे तो बहुत बड़ी है। तो अभी हम दिखाते हैं आपको भीमताल, यहाँ से आपको भीमताल देखने को मिल जाएगा, ठीक है कुछ इस तरह से। तो भाई यहाँ तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही भाई। तो ये देखिए गाइस भीमताल का नज़ारा। भीमताल से जैसे ही मैं आगे को बढ़ा, ठंड भी बढ़ने लगी, और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है आज। तो चौराहे पे मैं ना वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि चौराहे पे पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा हैं, और वैसे भी यार मोबाइल से वीडियो नहीं बनाना चाहिए, बट मैं थोड़ा बहुत रिस्क लेकर के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये क्या भवाली से जैसे ही यार थोड़ा बहुत आगे बढ़ा, और बारिश की भी बूंदें गिरने लगी हल्की हल्की, तो ऐसे में भाई स्नोफॉल भी होता है, तो भाई बड़ा मज़ा आने वाला है। एंड यार आज मैं अकेले हूँ, उतना एंजॉय तो नहीं कर पाऊँगा, बट फिर भी भाई एंजॉय रहेगा। अब बारिश की बूंदें हल्की हल्की स्नोफॉल में बदल चुकी हैं, और हल्की हल्की यहाँ पे देखने को मिल रही है स्नोफॉल, जो है हल्की हल्की हो रही है, जैसे बारिश की बूंदें गिरती है ना सेम उसी तरह से लगता है कि हो ही जाएगी। बट यार मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल मेरा ना हाई होते जा रहा है कि यार कब स्नोफॉल गिरेगी और कब आनंद लूँगा। चलते चलते अभी मैं रुका हूँ नथवा खान वाली रोड में, अभी थोड़ा सा आगे चल करके नथवा खान की मार्केट आ जाएगी। लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ ना, ये जो लोकेशन है सारी नथवा खान में ही आती है। बट गाइस यार यहाँ पर जो अक्टूबर के माह में ना बारिश आई थी बहुत खतरनाक भयानक, जो उत्तराखंड में आपदा आई थी, तो उसका कहर यहाँ पर भी आया था। यहाँ पर एक्चुअली यार बादल फट गया था, तो बादल फटने की वजह से यहाँ से देखो भाई, यहाँ पर पहले मकान थे, खेत थे लोगों के, सब कुछ बह गए। और आगे चल करके अभी दिखाता हूँ आपको क्या व्यू है, पता नहीं है तो मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन सुना था, लेकिन आज देख लिया यहाँ पर। ये देखो भाई ये
तो गाइस गाड़ी मैंने यहाँ पर रोक ली है थोड़ी देर के लिए एंड ग्लव्स भी निकाल लिए हैं, क्योंकि भाई जो धूप देख रहे हो ना आप मेरे पीछे की साइड, ये देखो भाई क्या धूप आ रही है पहाड़ों में, कितनी मस्त वाली धूप। अचानक से यार मौसम इतना चेंज बदलाव आ गया, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने देखा था मौसम किस तरह का बन रहा था, स्नोफॉल गिरने के चांसेस थे। बट गाइस अब मुझे नहीं लगता है कि यार स्नोफॉल भी होगी, क्योंकि अभी तो मैं एक जगह जहाँ पर रुका हूँ ना, लगभग यहाँ से मुक्तेश्वर अभी 8 से 9 किलोमीटर दूर है। जब मैं भीमताल से आगे को बढ़ा था, भीमताल से भवाली होते हुए रामगढ़, वाया रामगढ़ से नथवाखान आया, नथवाखान से अभी मैं निकला हूँ मुक्तेश्वर वाली रोड में, तो फाइनली अभी वहाँ पहुँचूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे जाना है चाचा लोगों के यहाँ, हमारे गाँव के ही चाचा लोग यहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर चलेंगे एंड उन लोगों से भी आपको मिलाएंगे। तो उससे पहले गाइज़ मैं आपको बता दूँ, यदि आप मुक्तेश्वर विज़िट करना चाहते हैं भाई, ऐसा है ना ब्यूटीफुल प्लेस भाई, लैंड्स ऑफ गॉड यार। वैसे उत्तराखंड में तो न जाने ऐसे कई सारे प्लेस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने लायक हैं, तो ये जो हिल स्टेशन है अपने आप में बेहद खूबसूरत है। तो फाइनली अभी तो हम मुक्तेश्वर पहुँचे नहीं हैं, तो गाइज़ काफ़ी देर हो गई है धूप सेकते सेकते, अब निकलते हैं। ये आ गया, क्या नाम है इसका? शेरू। शेरू काटता तो नहीं है ना? ना। तो ये लोग मुझे रास्ते में मिल गए थे, विक्की और लक्ष्मी। तो अभी इनके मम्मी और पापा आ रहे हैं पैदल पैदल, अभी आ जाएंगे ना थोड़ी देर में। हाँ। या ले आऊं मैं उनको गाड़ी से? आ जाएंगे ना। चलो ठीक है, आपके यहाँ ठंड काफी ज्यादा हो रही है भाई लोगों। हाँ। तो गाइस अभी देखो चाचा लोग पीछे आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमें रास्ते में मिल गए थे। गाड़ी हमने साइड में पार कर दी है, अब हम चलते हैं यहाँ से। ये बैठ गया रास्ते में, चल आजा। अरे गेट बंद कर दियो। बैग यहाँ पर टांग दिया है, हेलमेट यहाँ पर रख दिया। ये बिल्ली हमारे पीछे पीछे आ जाती है हर बार, काफल और नाशपाती के। अरे हाँ ऊपर वाला तो काफल का पेड़ है और ये नाशपाती का, सारा यहाँ आसपास में आपको बगीचा ही देखने को मिलेगा भाई। जो यहाँ की सुंदरता है ना वो कैसे बताऊँ, आप जो देख रहे हैं तो ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन यदि आप यहाँ घूमने का या विज़िट करने का सोच रहे हैं तो गाइज़ यार फाइनली आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो यार आज तो मुझे लगता नहीं कि स्नोफॉल होगी, तो हो सकता है कल हम आगे आगे प्लान बनाएंगे कि यार मुक्तेश्वर जाएंगे फैमिली के साथ, चाचा लोगों के साथ, तो देखो वहाँ हमें स्नो मिलती है या नहीं मिलती है, तो आगे आगे ही पता चलेगा। तो छोटे छोटे भाई लोगों के साथ यहाँ पर अभी घूम रहा हूँ, क्योंकि आज हम शाम को यहीं पर रुकने वाले हैं। अभी आगे मैं आपको घर दिखाता हूँ, तो यहीं पर आज हम रुकने वाले हैं क्योंकि अंधेरा हो चुका है, यानी शाम ही हो चुकी है। क्यों भाई, अभी 4:30-5 बज रहे होंगे लगभग। तो फाइनली कल चलेंगे, आज तो हमें जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। यहाँ से कितना दूर होगा मुक्तेश्वर? शायद 4 से 5 किलोमीटर होगा शायद। हाँ, है ना। हाँ। तो कल चलेंगे। लक्ष्मी अभी कुछ नहीं बोल रही है, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है बेनी। हाँ। है हो रही है ना। हाँ। चलो ठीक है, चल रहे फिर घर की ओर। हाँ। चलो भाई, तो अभी हम आए थे इस वाले रास्ते, नीचे को नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे यहाँ पर। तो ये मेरे से तो पहले पहुंच गए, तो फाइनली हम घर पर पहुंच गए। अरे कहाँ जा रहे हो? चाचा चाची लोग जा रहे हैं ऊपर। ऊपर कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही आ जाऊँ चप्पल में ही? ठंड हो रही बहुत ज्यादा। तो गाइस अब पता नहीं कहाँ ले चलने वाले हैं लोग। तो डॉगी भी आ गया, ये आ जाओ। मेरे में बैटरी कम थी, मैंने पावर बैंक मंगा दिया है, पावर बैंक से अभी चार्ज भी कर लेंगे हम अपना फोन। वाह भाई ये पत्थरों वाला सीन बड़ा मस्त लग रहा है, ये आपने बना रखा है? सही में बड़ा प्यारा लग रहा है, चलने में भी मजा आ रहा है इसमें। 180 डिग्री दिखता है, पूरा दिखता है यहाँ से, हिमालय दिखता है ऐसा बता रहे हैं चाचा जी। तो धुंधला हुआ है। हाँ आज तो खैर मौसम साफ नहीं है इसलिए नहीं दिख पा रहा है, इसलिए कोई दर्शन नहीं होना है फिलहाल। ये चाचा जी ठंडा हो रहा है मतलब है। चलो सही है, सही है, आकाश आ रहा है बिल्कुल। इसके आए थे 1 करोड़ सौरव जैसी के, कहाँ पड़ता है 14 साल, क्या नाम बोला? चौधरी जाली। अच्छा मुक्तेश्वर में चौधरी जाली, चौधरी जाली कह रहा हूँ। चलो जो भी है, एंड अभी चाचा चाची लोग बैठे हैं यहाँ पर, ठंड काफी ज्यादा हो रही है। क्यों? हाँ ठंड तो बहुत बहुत ज्यादा ठंड है एंड शीतला हुआ है। तो अभी सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मुक्तेश्वर कल चलेंगे, आज क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बच्चे भी कह रहे हैं कल ही चलेंगे। तो मैं भी सोच रहा हूँ भाई कल ही चलने में सही है,
क्योंकि आज शाम भी हो चली है, क्यों 5 बज रहा है शाम में। देखो फर्स्ट टाइम मैं भी विजिट करूंगा आप लोगों के साथ, और भाई लोग भी चलने के लिए तैयार हैं। तो फाइनली हम सब लोग अभी डिस्कस कर ही रहे हैं कि यार कल किस तरह से वहां पर जाया जाए और वहां पर क्या क्या रहेगा, मतलब वो आगे आगे आपको आगे वाले ब्लॉग में जरूर देखने को मिल ही जाएगा। एंड सो गाइज और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे कल। अब यार मन ऐसा कर रहा है भाई ना, रजाई के अंदर घुस जाया जाए और आराम से भाई मस्त वाली नींद निकाल ली जाए, क्योंकि यहाँ जो है ठंड काफी ज्यादा हो रही है। तो फाइनली गाइस इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप गाइस ये ब्लॉग आपको पसंद आया, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करना लाइक एंड चैनल पर दिन है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं एक नए दिन की शुरुआत के साथ नए ब्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। तो ठंड को भगाने के लिए यहाँ पे कोई लोगों की आवश्यकता पड़ती है। ये देखिए शेरू को भी ठंड हो रही है। हमारे कुत्ते का नाम भी शेरू है और इसका नाम भी शेरू ही है, दोनों शेरू। वो लेकिन ब्लैक है, ये ब्राउन ब्राउन है।